दिल्ली में चल रही महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रोहतक की स्वीटी बूरा ने 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की लीना वांग को हराकर देश के नाम गोल्ड मेडल किया। स्वीटी बूरा ने 4-3 से मुकाबला जीतकर उपलब्धि हासिल की। उनकी इस उपलब्धि पर अर्जुन अवार्ड एवं अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वीटी बूरा के घर आने पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वीटी बूरा ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। मैं पहले अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं, स्वीटी ने भी जीते हैं, अर्जुन अवार्डी भी हूँ, लेकिन कल जब स्वीटी मैं वहीं था दिल्ली आईजी स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनी तो पहले तो जब तक डिसीजन नहीं आ रहा हमारी सांसें रुक गई थी, क्योंकि जब तक वो अनाउंस नहीं करते तो ऐसे लगता है मतलब क्या होने वाला। वैसे वहीं खड़ा था मैं, तीनों राउंड देखे थे मैंने और पहले दोनों राउंड का स्कोर तो हमें पता था, स्वीटी दोनों राउंड में जीती हुई थी, लेकिन फिर भी वो डिसीजन का वेट रहता ना, वो तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है ये, क्योंकि शादी होने के बाद स्वीटी पहले तो दिसंबर में एशिया चैंपियन बनी थी और भी वर्ल्ड चैंपियन बनी है, तो मैं चाहूँगा कि वो ओलंपिक में भी अपने देश का ऐसे ही झंडा ऊपर करे। उम्मीद थी आपको? बिल्कुल उम्मीद थी। जाए हमारी शादी को 9-10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ हमारा फोकस इसी चीज़ पे था। पहले ही टारगेट बना लिया था कि पहले एशियन चैंपियन बनना और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनना है।